हेलो फ्रेंड्स, फूड विला में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही चटपटी चाट में से है। आज हम आपको मुंबई की स्पेशल चाट रगड़ा पेटीज बनाना सिखाएंगे, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए हमने एक कटोरी के जितने सफ़ेद मटर लिए हैं। इसको हमें ओवरनाइट सोक करके रखना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद मैंने इन सफ़ेद मटर को प्रेशर कुक किया है। उसमें मैंने बहुत ही हल्का सा नमक और पिंच मीठा खाने का सोडा ऐड किया है। इसे एक या दो विसल से ज़्यादा मत लगाइएगा। ये पानी आप फेंकिएगा नहीं, ये पानी हमें ग्रेवी बनाने में काम आएगा। रगड़ा बनाने के लिए हम एक बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला सेंधा नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट जो अपन खाने में खाते हैं उसे डालेंगे, पर हमें इसे संभाल कर डालना है क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें डला हुआ है, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, करीबन आधा पौना चम्मच के जितना आप चाट मसाला डाल लीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें करीब आधी कटोरी के जितना पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें इस पेस्ट में हम फाइनली थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, जैसे इसका कलर अच्छा आ जाए। इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। हमने एक कढ़ाई में एक टेबलस्पून के जितना ऑयल डाला है, इसको हमने गरम कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्पून के जितना शुगर। इसे हम मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब अच्छे से हमारी शुगर गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं एक मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा टीस्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, दो साबुत लाल मिर्च, 5-6 साबुत काली मिर्च, एक चम्मच लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मसाले वाला हमने पेस्ट बना के रखा था, इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हाई फ्लेम पर स्टर करेंगे, जैसे मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, ये मसाला तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये मसाला अब हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे वाइट मटर जो हमने प्रेशर कुक करके तैयार किए हैं, और हमें इन्हें इसी पानी के साथ पकाना है। इसे हल्का हल्का हम अपने स्पैचुला से मटर को प्रेस करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्पून के जितना इमली का पल्प, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इन सब को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक कुक करने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे। ये देखिए, अभी हमारा रगड़ा तैयार हो चुका है और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम हमारी पेटीज की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज बॉयल्ड आलू, उसको हमने मैश कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितना बारीक हरी मिर्च कटी हुई, 1 स्पून के जितना हरा धनिया कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, आधी कटोरी के जितने ब्रेड क्रम्स, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए कि पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और हम अपने हाथों में थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसकी पेटीज बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी पेटीज बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम हमारी सारी पेटीज तैयार कर लेंगे। अब हम हमारे एक पैन में 2 चम्मच के जितना हम घी डालेंगे। अभी हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके पेटीज डालेंगे और हमें फ्लेम मीडियम पर रखना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। हमने इस पेटीज को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है क्योंकि जितनी पतली होगी उतनी अच्छी और क्रिस्प बनेगी, खाने में आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी हमारी पेटीज रेडी हो चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इन पेटीज को एक सर्विंग डिश में सेट करेंगे। इसमें हम अब गरम गरम रगड़ा डालेंगे, थोड़े से चॉप अनियन, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, थोड़ी सी गुड़ इमली की चटनी, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फाइनली थोड़े से सेव। इस डिश को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। Subscribe to our channel Food Villa and press the bell icon for more recipe updates.